बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 8, केमिकल रिएक्टिविटी, एंड इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन टर्म ऑफ द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स को डिस्कस करने से पहले एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि हम देखें कि मेटालिक प्रॉपर्टीज़ या मेटालिक करेक्टर असल में होता क्या है। जैसे कि हमें पता है कि मेटल्स दीज आर द इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दे आर लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द पॉजिटिवली चार्ज आयन विच वी कॉल एज द कैटायन। एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और फिर पॉजिटिवली चार्ज आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे कैटायन कहते हैं। अब मेटल्स का इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर भी होता है और ये मेटालिक करेक्टर भी होता है। मिसाल है हमारे पास सोडियम एटम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल से लूज कर देता है और स्टेबिलिटी गेट करने की कोशिश करता है, तो इस नतीजे में ये आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द लूज ऑफ द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर ये मोनो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन टू से मोनो स्टैंड्स फॉर द वन एंड पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर द पॉजिटिव साइन स्टैंड्स फॉर द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एटम। तो सोडियम एटम से सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव अपीयर हो जाता है। इस करेक्टर को हम मेटालिक करेक्टर कहेंगे और इसी को इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी कहा जाता है। इसी तरह नॉन मेटालिक करेक्टर जो हैं या नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज जो हैं, इनका ताल्लुक नॉन मेटल्स से होगा। जैसा कि नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और स्टेबिलिटी हासिल करने की कोशिश करते हैं। सो व्हेनेवर नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, दे आर नेगेटिवली चार्ज आयन एंड नोन एज द एनायन। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटालिक करेक्टर, और इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। मिसाल है हमारे पास फ्लोरीन की। फ्लोरीन एटम जो है ये हेलोजन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है और इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्या करेगा कि आउटरमोस्ट शेल में अपने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए ये जब बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा तो ये नेगेटिवली आयन बनाएगा, ठीक है। और फ्लोरीन जो है जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा और ये एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस को हम क्या कहते हैं, नॉन मेटालिक करेक्टर ऑफ द नॉन मेटल, और इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहा जाता है। यानी ये करेक्टर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर होगा। पीरियोडिक टेबल को अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स कुदरत ने बड़े ही प्यारे अंदाज से इसको अरेंज किया है। हमारे पास ब्लॉक्स हैं, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, और मेटल्स और नॉन मेटल्स प्रॉपरली एक खास रेगुलर पैटर्न में अरेंज हैं। पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर अरेंज हैं। पीरियड्स जो हैं ये वो हॉरिजॉन्टल रोज हैं जो कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करती हैं, और ग्रुप्स वो हमारे पास कॉलम्स हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसके अंदर एलिमेंट्स अरेंज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। पीरियड टेबल में अगर हम मेटालिक करेक्टर की डिटेल में जाएं तो हमें सबसे पहले एटॉमिक साइज को देखना पड़ता है कि पीरियड के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये रेड कलर के एरो पे आप देख रहे हैं कि एटॉमिक साइज इन द पीरियड डिक्रीज हो रहा है और एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक साइज जो है इन द पीरियड ये डिक्रीज हो रहा है और एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसा होता क्यों, इसकी क्या वजह है, इसको देखते हैं अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड हम ये देखते हैं, अगर हम पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो ये हमारे पास एक पीरियड है और इस पीरियड के अंदर हम ये देख सकते हैं ये ग्रुप पीरियड सेकंड है। इसमें लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन एक्सेट्रा। इस सेकंड पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि जब वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक साइज में जो है वो कमी होने लगती है। आप देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो
सेम शेल में ऐड होता जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल में इजाफा नहीं हो रहा, ठीक है। और नतीजे के तौर पर क्या होता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी ऐड हो रहा है, जिसके नतीजे पे क्या होगा जी कि न्यूक्लियर चार्ज जो है एटम का वो स्ट्रांग होता जाता है और उसकी ग्रिप, उसका होल्ड न्यूक्लियस के अराउंड जो पाए जाने वाले शेल्स है उसके ऊपर मैक्सिमम होने लगता है। तो नतीजे के तौर पर एज अ रिजल्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड वन एवर एटॉमिक नंबर्स आर इंक्रीजेस एटॉमिक चार्जेस न्यूक्लियर चार्जेस विल बी स्ट्रॉन्ग एंड एटॉमिक साइज ऑफ द एटम विल बी डिक्रीज। और इसी का ताल्लुक फिर क्या हो जाएगा कि मेटालिक करैक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि लिथियम मेटल है, बेरिलियम मेटल है, लेकिन बोरॉन मेटलॉइड है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये नॉन मेटल हैं। तो मेटालिक करैक्टर जो है वो फ्रॉम पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटालिक करैक्टर क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा। अब मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होगा इसका मतलब क्या है कि लिथियम बेरिलियम बोरॉन ये क्या है हमारे पास लिथियम बेरिलियम ये क्या है हमारे पास मेटल्स, बोरॉन हमारे पास मेटलाइट है, मेटलाइट वो हमारे पास एलिमेंट होता है जिसमें मेटल्स नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाएं, ठीक है। तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होगा कहाँ पे आके बोरॉन के पास, और नॉन मेटालिक करैक्टर विल बी इंक्रीज। इसका क्या मतलब है कि आप बोरॉन के बाद कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन दीज ऑल आर नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटालिक करैक्टर जो है यहाँ पे इंक्रीज होगा। मीन टू से मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी कम हो जाएगी एटम्स के अंदर और इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड विद द नॉन मेटालिक करैक्टर। और इसी के साथ रिलेटेड ये तो अभी डिस्कस किया गया कि एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो जाएगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली जो है वो न्यूक्लियस उन्हें जो है वो ग्रिप में ले लेगा और इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लूज नहीं हो सकेंगे। तो मेटालिक करैक्टर विल बी डिक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम द इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम कॉलम के अंदर बात की जाती है, तो हम ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज छोटा है, लिथियम का एटॉमिक साइज बड़ा है और सोडियम का उससे बड़ा और पोटाशियम और रुबिडियम का उससे बड़ा। वजह क्या है? हम ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा हो रहा है, क्योंकि जब कभी व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विल बी इंक्रीजेस अलॉन्ग विद द इंक्रीज ऑफ द एक्सटर्नल शेल्स। का मतलब क्या हुआ कि डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं किसी भी ग्रुप की बात की जाए तो ग्रुप के टॉप पे जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा होगा, लेकिन ग्रुप के एंड पे डाउन पे जाके जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा। इसकी वजह क्या है कि एटॉमिक नंबर में इजाफा हो रहा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में आ जाएगा, लेकिन लिथियम का एटॉमिक नंबर 2 है इसके दो शेल यहाँ पे रिक्वायर होंगे, एक दो इलेक्ट्रॉन एक शेल में और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो एक नए शेल में होगा। इस तरह सोडियम के एटॉमिक नंबर जो 11 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, थर्ड में 1। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर में 1। तो इसी तरह रुबिडियम तक जब हम जाएंगे तो नंबर एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा डाउन द ग्रुप तो एटॉमिक साइज में भी इजाफा होगा। तो मेटालिक करैक्टर डाउन द ग्रुप इट विल बी इंक्रीजेस। अब इसका मतलब क्या है, मेटालिक करैक्टर का ताल्लुक किससे है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी डाउन द ग्रुप जो मेटालिक करैक्टर है वो बढ़ेगा। अब इसका ताल्लुक मेटालिक करैक्टर का हम कैसे जोड़ेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे एटॉमिक साइज में इजाफा होगा। जब एटॉमिक साइज में इजाफा होगा तो न्यूक्लियस का होल अपने शेल्स के ऊपर कम हो जाएगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब एटॉमिक नंबर में इजाफा होगा तो नंबर ऑफ शेल्स में भी इजाफा होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन।
जब मोर इलेक्ट्रॉन किसी एटम में होंगे तो इलेक्ट्रॉन के अकोमोडेशन के लिए रिहाइश तैयार करने के लिए शेल्स भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स भी क्या होंगे, इजाफा होगा। तो न्यूक्लियस का होल्ड क्या होगा, अपने आउटरमोस्ट शेल्स में पे कम होता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ डाउन द ग्रुप मेटालिक रिएक्टर बढ़ेगा कि इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लूज हो सकता है और वो कैटायन में चेंज हो सकता है। तो नॉन मेटालिक रिएक्टर यहाँ पे का डिक्रीज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप क्या होंगे, आसानी के साथ लूज हो सकते हैं, कैटायन बना सकते हैं। इसीलिए डाउन द ग्रुप मेटालिक रिएक्टर विल बी इंक्रीजेज एंड नॉन मेटालिक रिएक्टर विल बी डिक्रीजेज। अब इससे रिलेटेड जो हैं वो जो बातें अभी मैंने एक्सप्लेन की कि न्यूक्लियस चार्ज जो है बेशक एटॉमिक नंबर में इजाफा हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियस का होल्ड अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे जो शेल्स के अंदर हैं, क्योंकि शेल्स ज़्यादा हो गए हैं ना, तो न्यूक्लियस का होल्ड अपने वैलेंस शेल्स पे कम होता जाएगा। जितना एटम का साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियस चार्ज बेशक बड़ा हो लेकिन उसका होल्ड अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल पे सबसे कम हो जाएगा। तो न्यूक्लियस चार्ज विल बी इंक्रीज बट नंबर ऑफ द शेल्स आल्सो सक्सेसफुली इंक्रीज। तो न्यूक्लियस का होल्ड जो है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आउटर मोस्ट शेल पे कम हो जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि शेल्स का इजाफा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूजली हेल्ड होंगे इस किस्म के शेल्स में, या आउटर मोस्ट शेल की बात की जा रही है, और इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ अब रिलीज हो सकते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज होगा। और मेटालिक कैरेक्टर को आप इस डायग्राम से भी दे सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर विल बी डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड बट इट विल बी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। यहाँ आगे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ट्री है और इस कॉन्सेप्ट ट्री पे हम इन वेरिएशंस इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, यानी मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अलॉन्ग द पीरियड एंड ग्रुप, हम इस कॉन्सेप्ट ट्री के ज़रिए जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी अगर अच्छी प्रैक्टिस की जाए तो ये एक तरह से निचोड़ है हमारे तमाम के तमाम टॉपिक का। एज एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज जो है वो पीरियड के अंदर क्या होगा, डिक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज में इजाफा होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो पीरियड के अंदर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक साइज बड़ा होता जा रहा है। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है इन द पीरियड वो इंक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ये हमारे पास वेरिएशन थी इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, और हमने डिस्कस करने की कोशिश की आज मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उम्मीद है आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप इनबॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कंपैरिजन होगा। इंशाल्लाह उस वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।